जोहार दीदी, जोहार भैया। का करत रहिस दीदी? झाड़ू उड़ू लगात रहियो भैया, खेती बाड़ी कर समय पहुँच हो, बीज किने के भी आओ, बीज किने के लिए का करूँ का नहीं से कर समझ में नहीं आवत हो। दीदी हम खेती बाड़ी से जुड़ल हियो और कई जगह में हम एसआरआई विधि से खेती करवा चुकी हियो। हम तो परेशानी के समझत हियो दीदी, इस बार हम नया तरीका से श्री विधि से खेती करके बताबो, जेकर ले तो के 6 इंच कर बेड बनाए पड़तो। ठीक हो दीदी, इकर ले हम दूसरा दिन आबो और तोके अच्छा से बताबो। ठीक है भैया, बताए देवे आए के। ठीक, जोहर जोहर। सुना थे एगो गुड़िया घर आए थी आबरी, एगो जेसल पेश कर एगो भैया आए रहे से, अभी नया तरीका से एगो श्री विधि धान कर खेती लगा कोई है। बाप दादा कर जमाना से पुरना तरीका से खेती करते आ हैं, नया आजकल के लड़का मन का जानवे नया तरीका बताए ना। लेकिन गुड़िया का बा, अगले बार मई पाल श्री विधि धान कर खेती लगाए रे, चल जाए के उके पूछिए ला। तो हो बेकार कर बात में उलझत रहिसला, हमको सुने के में आए रे महिपाल श्री विधि कर अच्छा खेती कर रहे। पूछे तो से तो कोई हर्ज नहीं खे, चल तो एक बार पूछ के देखिए ला। चल तब पूछ के तोरो मन के पूरा करिए ओला। चल तब। चल घर में कोई है? जोहर दादा। जोहर। अच्छा दादा, अगले साल तो है श्री विधि कर खेती कर रही? हाँ हाँ, अगले बार श्री विधि से खेती कर रही हूँ, इस बार भी खेती करब। ऐसा मई पाल तोहरे के खेती श्री विधि लगा के लिए खेती कर के लिए बताए रहे? हाँ, मुके जैसे LPS कर भैया बताए रहे। ठीक तब मई पाल तोहरे के बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर जोहर। महिपाल के तो पूछिए ले लिए, GSLPS का भैया के कब आवे थे पूछे, तो ले मोबाइल से बात करिए। हाँ, GSLPS कर भैया बोला थी इनका, हम शंकर बोला थी बुंडुबेड़ा से, श्री विधि कर बताए के लिए आओ हम कई रिस्क कैल। हाँ हाँ, याद हो हमके, हम बगल कर गांव में ही आओ, आवत ही तोर जगह 10 मिनट में। अच्छा 10 मिनट में आओ थी इनका, आओ तब इंतजार करबो। जोहर जोहर। ठीक है भैया, आओ बैठ। एखन बैठे का समय ना खाओ। कल तो नर्सरी बेड ले बताए रहीन, आज विस्तार रूप से बतावे। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ बताबो और नर्सरी बेड बना के भी तो इनके सिखाबो। चल तब हमार खेत हुए जाए के बढ़िया से बतावे हमके। ठीक तब चल। चल धान कर नर्सरी बेड काले बनाल जाइला। श्री विधि से धान कर खेती ले नर्सरी बेड बना के बहुत जरूरी है, इके वैज्ञानिक तरीका से बनाल जाइला, इकर में बीज का दूरी जगह बनाल जाइला, जेकर से पौधा स्वस्थ उगेला। 1 एकड़ जमीन ले 4 नर्सरी बेड बनाइला, 20 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 6 इंच ऊंचा बेड बनाइला हम। 1 नर्सरी बेड में 1/2 किलो बीज कर ही प्रयोग करीला। अच्छा भैया, 1 एकड़ जमीन ले 4 बेड बनाए ना, और 20 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, 6 इंच ऊंचा। हाँ, वो नर्सरी बेड बनाए के में का का चीज कर जरूरत पड़ेगा? 120 किलो गोबर, ढाके के लिए पुआल, 2 किलो उपचारित चिग्याल बीज और लंबाई चौड़ाई नापे ले टेप।
चल तब अब नर्सरी बेड विस्तार से बतावन और बना के देखावन। अच्छा भाई इके तो जोताई करके एकदम खरपतवार सब मर गए, अब सही ढंग से तैयार करके राखीस? हाँ भैया, ये तो जोताई करके तैयार है, अब इकर में कैसन करे है से के बताए। सबसे पहले इकर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नापब। देख भैया, ई हो बेड कर चौड़ाई, जेकर चौड़ाई होना चाहिए 4 फीट। हाँ देख भाई, पहले तो 10 फीट ले हिए, अब ई और 10 फीट लेवत हिए, हो गलो इकर लंबाई 20 फीट। हाँ ठीक, 20 फीट हो गई। ए देखिन भैया, 1.5 फीट इके बेड कर चारों तरफ 1.5 फीट कर नाली बनाब। अच्छा ठीक। ये देख दादा, अब 6 इंच ऊंचा बेड बना रही थी, बेड तो तैयार हो गए। अब इकर में सबसे पहले गोबर के छिड़काव करब, चारों बेड में 500-500 ग्राम करके अंकुरित बीज के बांटब। चार भाग में नर्सरी बेड बनाए के देखा ले और बता ले इकर ले तो के हमिन बहुत बहुत धन्यवाद जोहार। अभिन हमिन नर्सरी बेड बनाए के देख ली और इके सीख ली। सभी किसान भाई से अपील है कि ओहो मने श्री विधि से नर्सरी बेड बनावा, इस इकर से पौधा वृद्धि अच्छा होवेला और स्वस्थ एवं रोगमुक्त पौधा उगेला। सबके जोहार।